Happy birthday to you. से भली मेरी लाली ओ आज किरण जुग जुग तुझिए नन्ही सी परी मेरी लाडली हो मेरी लाडली Drop it. What? Hold up. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. So Mama's birthday was on 22nd Feb. To make it a little bit special, I took her to the lunch. But वो dinner में convert हो गया था, थोड़ा सा late हो गया था हमें. Yeah, the whole point was to celebrate her birthday and to see her happy. And I hope वो बहुत खुश हुई हो, उनको मज़ा भी आया हो. तो आप लोग भी ये video enjoy करेंगे. And अगर आप लोग करें तो please do let me know in the comment section down below. Assalamualaikum everyone. Welcome back to another vlog. Welcome back to my channel. Welcome to Mama's birthday. Hello. So she is the birthday queen today. And मैं उनकी birthday celebrate करने इनको लेके आई हूँ कोयल में, जो कि है Clifton Block 4. So how much excited you are? Scale of 10. Nine. क्यों? क्यों? एक क्यों कम है? एक जब खाना खाने के बाद. Simple. कुछ appetizer मंगवाते हैं पहले. Okay. So basically हम लोग अभी वेट कर रहे हैं मेरी एक कज़न और उनकी मम्मा का, इनकी बहन का, इनकी बड़ी बहन का. तो जब तक नहीं आ रहे हैं तो हम लोग पानी की बोतल और एपेटाइजर मंगवाते हैं, बिकॉज आई एम रियली हंग्री. आर यू हंग्री? आई एम आल्सो रियली हंग्री. ओके, तो एपेटाइजर्स देखें और चूज करें आप क्या खाना है. नहीं नहीं आप चूज करें. आई डोंट नो क्या मंगाया जाए. प्रॉन्स? प्रॉन्स. आई लव प्रॉन्स. चिली प्रॉन्स. अच्छा, ये भी मेन कोर्स स्टार्ट हो गया है. सो दीज आर दी ऑप्शंस. तो ये फर्स्ट टाइम है अम्मी का कोयल आना. एंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खाना कैसा होगा? कौन सभी मंगवाए ना, वो खा के देखेंगे कि कैसा होगा, फिर मुझे पता चल जाएगा. अच्छा, फिलहाल अभी तक हमने एपेटाइजर मंगवाए, दैट इज प्रॉन्स, चिली प्रॉन्स हमने मंगवाए. एंड आई नो मुझे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि भाभियाँ कहाँ हैं. तो बड़ी भाभी पंजाब गई हुई है एंड छोटी भाभी जर्मनी में है. वो हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, वरना ऑब्वियसली वो होता. अच्छा, यहाँ का जो एम्बियंस है रियली रियली नाइस. आई हैव आल्सो नेवर बीन टू कोयल, इट इज़ माय फर्स्ट टाइम, बट आई हैव हर्ड सच अ गुड रिव्यूज़. मेरे दोस्त हमेशा इसकी तारीफ करते हैं कि कोयल बहुत अच्छा है, उसका खाना बहुत अच्छा है, ब्ला 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 ब्ला. सो आई एम गोइंग टू टेस्ट दैट आउट बाय मायसेल्फ. अदर देन दैट द एम्बियंस इज रियली नाइस, ऑल द लाइट्स एंड एवरीथिंग. डिड यू लाइक द एम्बियंस? या, यू लाइक्ड इट? सो इससे पहले लाइट चली जाए, लेट्स टेक सम पिक्चर्स. दरवाजे के पास वो भी अच्छा है, बट वी डोंट टेक अ पिक्चर ओवर देयर फर्स्ट. सो इससे पहले लाइट चली जाए, लेट्स टेक सम पिक्चर्स. करंटली पिक्चर्स ली जा रही है एंड फिर हम अपने साथ में पिक्चर लें. हाउ इज इट? नाइस. सीरियसली? सीरियसली. कैसा? एक्चुअली नॉट.
मुझे भी प्रॉन्स बहुत पसंद है लाइक अम्मी, पर ये होता है कि कुछ ज्यादा प्रॉन्स खाने के बाद कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होता है ना इस वजह से। बट अभी तो खैर मैंने एक ही खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेमोरी बताए जो आपको बताई गई थी व्हेन यू वर बॉर्न। मेमोरी थोड़ी तल्ख है मगर फिर उसका एंड बड़ा खूबसूरत है। जैसे क्या? जैसा कि मैं जब पैदा हुई थी तो अम्मी को बेटे की जरूरत थी, जब मैं पैदा हुई तो अम्मी ने मुझे उठाया ही नहीं था गोद में, तो मेरी एक्चुअली मेरी खाला भी हमारे साथ होती थी, तो अम्मी उनको कहती थी कि प्यारी तुम्हारी बेटी है तो मैं उसको क्यों नहीं उठाती हूँ, कहती है कि नहीं बस मैं नहीं उठाऊँगी। फिर जब मेरी छठी थी जिस दिन, तो जब मेरी खाला ने मुझे उठाया तो क्योंकि अम्मी से, अम्मी का नाम मेरी अम्मी का आयशा था, मैं आयशा देखो तुम्हारी बेटी के बाल झड़ रहे हैं, अम्मी ने कहा, फिर जो मैं रोई हूँ तो मैं गोद में उठा के मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, मैंने कहा मैंने इतनी प्यारी बेटी को मैंने गोद में नहीं उठाया, फिर कहीं वो छठी के दिन मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और वही प्यार अम्मी नहीं है, मगर वो यार माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो डू यू रिमेंबर एनीथिंग जब मैं पैदा हुई थी, कोई मेमोरी मुझे, कोई चीज़ मुझे बताना चाहें जो कभी मेरी मेमोरी में शामिल हो जाओ, कभी कोई मुझसे पूछे तो मुझे याद हो कि भाई ऐसी कोई बात थी। तो मैंने उसको पूरा दिन नहीं देखा था, सब मुझे बताया कि प्यारी बेटी। अच्छा मतलब जो नानों ने आपके साथ किया था आप तो मेरे साथ वही किया, तो मुझे डॉक्टरों ने करवाया, सब बता रहे थे कि प्यारी बेटी है, फिर मैंने तो गोद में उठाया तुम बिल्कुल एक जैसे रूई का गोला होता है ना ऐसे, बहुत क्यूट थी, छोटी सी थी मगर बहुत प्यारी थी, मैं जब प्यार करते करते तो हर बच्चा छोटा सा होता है क्या मतलब? नहीं तुम बहुत छोटी सी थी ना, एक्स्ट्रा छोटी। हाँ प्री मेच्योर थी इसका मुझे 13 दिन पहले हुई थी, तो तुम कैप्रिकॉर्न होते हो तो तुम सेजिटेरियन हो गई। कैप्रिकॉर्न जैन में होता है। हाँ मैं प्री मेच्योर हुई थी, वरना मैं अभी कैप्रिकॉर्न होती जैन में पैदा होती, बट मैं सेजिटेरियस हो गई दिसंबर में पैदा हो गई। एक इसका कथा थी, इसका कोई चोट लगी थी पलंग से, इसका चारा फंस गया था, उसके ऊपर के मसूड़े पूरे कट गए थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन, बहुत मेरे मसूड़े वगैरह सब कट गए थे। एंड वो ईद का दिन था? नहीं 14 अगस्त का दिन, 14 मुझे इतना याद है कुछ था, और मैंने शरारा पहना हुआ था मेरे खुले से बाल से, जिसमें मैंने ग्रीन शरारा और वाइट शर्ट पहना थी, ग्रीन दुपट्टा, तो इतनी प्यारी लग रही थी मेरी नज़र मेरे बच्चों को बहुत लगती है। मैं लाल को भी जब भी मेरा मेरे बेटे के प्यारे लगे वापस आए चोटे उनको लगी होती है, माँ की नज़र लगती है, तो भी रात रोई थी अल्लाह मेरी बेटी है कि होंठ गट गए ये पूरी रात। यहाँ पे भी फ़ोन, एटलीस्ट आज के दिन तो फ़ोन नहीं, मम्मी अब मेरा टाइम स्पेंड करने आए फ़ोन यूज़ करने आए। मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो जो पसंद था मुझे राहुल वेजा वो आज सेकंड आया, और बेचारा अली को तुमने फोर्ड कर दिया जो सब बड़ा जुर्म हुआ है, तो भी उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं तो मैं जरा दिल चाह मैं उनको देखूँ। अच्छा इतनी हद है ना कि कल 12 बजे अम्मी को विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे योर वो, और ये ऊपर से कहती हैं कि मेरा बर्थडे और अच्छा हो जाता मैं थोड़ी सी सैड हूँ, हमने कहा क्यों कि राहुल वेजा सेकेंड आ गया, हद होती है मतलब। ओके गाइस द प्राइस रेंजेस भी काफ़ी रीजनेबल है यहाँ के, लाइक मेन कोर्स के लिहाज से, आई मीन मेन कोर्स के जो प्राइस रेंजेस हैं दे आर फाइन। सो अम्मी विल बी गोइंग फॉर लज़ानिया, वेयर इज लज़ानिया? अच्छा देयर इट इज, कैन आई गो फॉर स्टेक? फिश लाइन ले लें क्या? ले लें।
बनाते मुझे लेट हो गया। Assalamualaikum everyone, welcome back to another clip. Same vlog चल रहा है अभी तक और इस vlog में obviously पूरा vlog है इन पे बेस्ड, तो हम मैं इनको और लेके आ गई हूँ और इनके साथ मैं क्वेश्चन करूंगी जो Q&A करेंगे। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मैं who is more likely to do चैलेंज करना चाहती हूँ विद अम्मी, बट आप लोगों ने आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आया था या बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी आए हैं मुझे, हम लोग के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए एंड हु इज मोर लाइकली टू वाले भी क्वेश्चंस आए, सो मैं रैंडमली क्वेश्चंस लेती जाऊंगी एंड वी आर गोइंग टू रिप्लाई टू दोस क्वेश्चंस। आप लोग खुद ही समझ जाना कि कौन सा किस कैटेगरी का है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, हियर इज माय फोन एंड अम्मी आर यू रेडी? यस, लेट्स स्टार्ट एंड गो। गेट सेट एंड गो। पहला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपसे पूछना चाहूंगी, प्लीज वो गाना बता दें जो आप मेरे लिए गाती थी। हाँ, मैंने अपने बला साहब गाने सोच, मतलब उनके लिए गाने गाती थी, तो इसके लिए जो गाती थी वो गाती थी, नन्ही सी परी मेरी लाडली, गुड़िया से भली मेरी लाडली, ओ आज किरण जुग जुग तुझिए, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। ये गाना मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं इसके लिए गाती थी। So if you guys do not know, she is my mother. Yes, I am. Whatever. नहीं है। There's this meme नहीं है, video है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया then good. If नहीं तो please comment section में लिखना स्टार्ट कर देना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, मिश्रा जब पैदा होने वाली थी तो आपको पता था कि बेटी होगी? बिकॉज शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ हर टू ब्रदर्स। ऐसे कंसीव किया था, मेरी मम्मी की डेथ हुई थी जिस महीने, तो मैं बस रोती रोती थी। नहीं, मतलब मैं दुआ मांगती थी कि मुझे बेटी हो और बस अम्मी जैसी हो, तो अम्मी से मेरी थोड़ी मिलती है ये, और जो ये दुआ मांगती थी इसके लिए कि बहुत अच्छी हो और से प्यार करने वाली हो, मिलनसार हो, हर छोटे बड़े से रख रखाव रखे, तो बिल्कुल वैसी है जैसे आपने मुझे स्केच किया। हाँ, मतलब 9 महीने पूरे में बैठ के एक कोना पकड़े बस अम्मी को याद करती थी, रोती थी और इसके लिए दुआएं मांगती थी कि मुझे बेटी हो। मामा को पता था बिकॉज अल्ट्रासाउंड बहुत सारी चीजें आ गई है। वैसे प्री मैच्योर पैदा हुई थी मुझे तकरीबन 20 दिन पहले, अगर 20 दिन बाद होती तो ये कैप्रिकॉर्न होती, मैं जैन में हो जाती। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, हम दोनों में से? मैं, हम दोनों समटाइम्स एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, और मैं नहीं समझती हम या तो सिर्फ इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। अम्मी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, अम्मी इज नॉट इंट्रोवर्ट एट ऑल। अम्मी हर किसी के साथ घुल मिल जाती है कोई भी हो, एंड मैं आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, बट मुझे समटाइम्स आई एम इंट्रोवर्ट। हां, किसी से नहीं मिलती हूं देन मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूं एडजस्ट होने में, बट जब मैं एडजस्ट हो जाऊंगी तो फिर आप लोग मुझे चुप नहीं, मैं नए लोगों से मिलती हूं बहुत, मैं इंट्रोवर्ट हूं क्योंकि मैं नहीं बात कर सकती, मगर एक दफा जब किसी से मिल लेती हूं तो फिर एग्जैक्टली सेम। सो फिर हु इज मोर लाइकली टू वाला क्वेश्चन है मेरे पास, Changing pampers or Vildan while your bhabhi is busy? मैं करती हूँ। मैं भी करती हूँ। हाँ, तुम भी करती हो, ज्यादातर मैं करती हूँ। हाँ, जब वो बिजी होते तो विल्दान हमारे पास होता है, हमसे वो बहुत गुलाम मिला है, तो वो बिल्कुल तो बिल्कुल बेफिक्र और अपने काम करो, इंजॉय करो, तो वो हमारा काम हो जाता है। किसी ने पूछा एज ऑफ अम्मी, वो आप लोग गेस करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि अम्मी की एज क्या हो सकती है। एनी हिंट अम्मी, कुछ हिंट देना चाहेंगी आप? 60 प्लस। द फास्ट इन मेकअप, हु इज मोर लाइकली टू, का क्वेश्चन है। मैं फटाफट कर लूं जैसा भी, बस मैं कर लेती हूं इनकी तरह नहीं, घंटों बस उठाया तैयार, 2 मिनटों में तैयार। अम्मी जल्दी हो जाती है। हु इज मोर लाइकली टू गेट मैड फर्स्ट? मैं, गुस्सा, ये पागल है बिल्कुल। जी नहीं, ये लड़की पागल है। मुझे जब ये पागल होती है तो मैं भी पागल हो जाती हूँ, फिर आप समझ सकते हैं तू पागल क्या कर। जब मैं गुस्सा आती हूँ बर्फ पड़ जाती है, फिर हम लोग कमरे में भी आते हैं जबकि गुस्सा होती है, क्योंकि इनका गुस्सा ऐसा है, एक चीज बोल के जाएंगी फिर चली जाएंगी, फिर अगर मैं और मेहरान बैठे हैं चली गई, फिर मुड़ेंगी 2 सेकंड में फिर से आ रही है मेहरान, फिर आते फिर कुछ कहते फिर जाती है, फिर हम लोग कहेंगे अभी आएंगे भी आएंगे, फिर मुड़ के आती है फिर कुछ कहती है। कॉन्शियस अबाउट पिक्चर्स, क्या हो गया? जी नहीं, मैं तो मेरे जो बुरी बुरी तस्वीरें भी लगा देती है, मैं नहीं होती, मैं बस 5-6 निकलवा के भाई सही है जो अच्छी लगा यार, हम लोग को फीड के लिए अच्छी चाहिए होती है ना। बकवास,
अम्मी की एजुकेशन कितनी है और शादी कब हुई थी, क्या हुई थी, लव मैरिज और अरेंज। अम्मी आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने आर्किटेक्चर में पढ़ाई की थी। शादी से पहले जॉब करती थी? सिविक सेंटर में मैं करती थी, कराची मास ट्रांजिट में मैंने पूरे नक्शे भी बनाए थे उनके जो थे मैप्स वो, फिर बस उन्होंने लड़कियों को निकाल दिया तो मैं भी छुट्टी मिल गई, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा, आपकी शादी लव थी या अरेंज? मेरी अरेंज थी, अबू की तरफ से लव। हाँ, स्किन की तरफ से लव था, मेरी तरफ से अरेंज अरेंज थी। फिर जाने फिर तो हो ही जाता है। Who is more likely to say sorry first? मैं वैसे आती हूँ उसे प्यार करने, छोड़ मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं बात करनी, बच्चे को नहीं बात करनी, मेरा बच्चा प्यारा, बच्चा प्यारा। मुझे मुझे जब कोई बात, और जब ये सीरियसली जब ये सॉरी करने आती हूँ मैं नहीं, हम दोनों का ऐसा ही है, जब ये मुझे सॉरी करने आती है तो मैं नखरे करती हूँ, जब मैं इनको सॉरी करने जाती हूँ तो ये नखरे करती है। मोर लाइकली टू बी कंजूस व्हाइल शॉपिंग? नहीं, हम दोनों में कोई भी नहीं है, कंजूस नहीं है हम लोग। कोई हम लोग का ये कि चीज पसंद आ रही है तो ले लो, कभी ना कभी यूज में आई जाएगी। ये अब जब ये छोटी थी मतलब 2-2.5 साल की, तो ये बहुत क्यूट होती, बाल बहुत लंबे होते थे इसके ना, अभी निकल दी थी, अब कोई भी बच्चा आके इसको लेके चला जाता, मतलब पूरे प्लाजा में मशहूर थी। तो अब ये गायब, अब मैं परेशान ढूंढ रही हूँ, यूसरा यूसरा, तो किसी घर से आवाज आई, आंटी यूसरा हम लोग के घर है, आंटी यूसरा हम लोग के घर है। मैं बाबा बता के तो जाया करो, हमारी जान निकल जाती है। नताशा यूसुफ ने बोला योर अम्मी इज सो क्यूट, इंशाल्लाह आपको सांस भी ऐसी मिले। इंशाल्लाह, थैंक यू, थैंक यू नताशा, और इंशाल्लाह मेरी बेटी को बहुत अच्छा दूसरा मिलेगा। व्हाट डू यू वांट फॉर योर डॉटर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? नहीं, लव अगर मतलब कि अब सारे यहाँ पे बात आ जाती है वालदेन की, माँ तो फिर भी एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी औलाद का जो कुछ भी, तो बाप जरा नहीं कर सकते, तो मैं चाहूँगी कि ये पहले मुझे बताया था कि हम उसको अरेंज में कन्वर्ट करें। सब शादियों के क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं मुझे? आउट ऑफ कास्ट शादी करना अलाउ करती है यूसरा को? हाँ, मुसलमान हम लोग में, आई थिंक ये हम लोग मुसलमान होना जरूरी। आप यूसरा को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं? About the world, so I got diamond in the sky. अगर आपको चांस मिला जाए ब्लॉगर बनने का या अपना चैनल ऑन करने का? मैं करूंगी, स्टिचिंग आज स्टार्ट करूंगी, हाउ टू स्टिच और स्टिच करके वन ऑन वन लेसन देती हूँ, ये और वो चीज जो बनेगी, मैं ये सोचती बहुत है कटिंग के लिए, नहीं मैं करूंगी, मैं उसको अपने स्टाइल से बनाऊंगी, मगर आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा कि यूसरा की दूसरी बहन भी होनी चाहिए थी? हाँ जी, नहीं मेरे से अगर दो बहनें होती ना तो फिर बहन के बहनों नहीं, ऑनेस्टली वैसे ही बात होती है कि लोग कहते हैं कि दूसरी बहन होती पहली बहन वो अकेली रह जाती है, बट मेरी अम्मी का रिलेशन इतना अच्छा है कि मुझे छोटी बहन की जरूरत ही नहीं पड़ी, होती है बहन का एलिमेंट नहीं है, बट इनसे इतनी है तो मेरी हर हर बात मुझसे शेयर करती हूँ मोस्टली बट नहीं नहीं मजाक कि जैसे अभी बड़े बाल हैं, क्या हमेशा से ऐसे बड़े बाल थे? पता है कि मैं सिर्फ एक दफा इसके बाल मतलब जब वो पैदा होते पैदा हुए जो बाल उतारते बस वही, इसके बाद मैंने इसके नहीं उतारे। यूसरा ने जब फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तब आपके रिएक्शन क्या थे यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो? बस मुझे दिखाया था मैंने, इतना कुछ खास मतलब नहीं किया था मैंने, नहीं ये और बिलाल वहीं पे थे एंड आई मेड दिस फर्स्ट वीडियो, तो उन्होंने कहा था कि कर दो अपलोड कर दो, मैं थोड़ा सा हो रही थी कि मुझे दिखा भी मैं कर दूं अच्छी बनी, हम कहा कर दो अच्छी बनी है कर दो, तो बस मैंने पोस्ट की टाइम में वो ऑब्वियसली नोटिस होने में बट हो गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूसरा'स यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल अच्छे कॉन्टेंट अच्छे होते हैं मगर ढूंढने में उसको मुश्किल होती है, मगर मैं दुआ करती हूँ कि ग्रो करे ज्यादा और इसको अच्छे सब्सक्राइबर मिले। एक मुझे बात समझ में नहीं आती, आप लोग कमेंट्स में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं आप लोग कमेंट्स करने में? आप लोग जो कमेंट्स करते हैं तो जो जैसे मैं इसकी अम्मी हूँ तो मुझे खुशी होती होती है, जैसे लाइक पे लाइक बटन्स दबा दिया करें, वीडियो देखते हैं लाइक बटन दबा दें, मैं तो जिनका भी देखती हूँ वीडियो कहीं भी मैं लाइक बटन जरूर दबाती हूँ, आप लोग मेरी आदत अपना लें तो आप नहीं दूसरा फायदे में जाएगी आप लोग का कोई नुकसान नहीं है, मेरा फायदा दूसरा का फायदा। तो किसी को फायदा देने के लिए सिर्फ आपको इतनी सी बात करनी पड़ेगी, यू बटन दबाएंगे और
कमेंट का बटन खोलेंगे, कमेंट लिखेंगे नाइस वीडियो जस्ट। सो दिस वॉज इट यू गाइज, बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड करती है, मैं इस वीडियो को ज्यादा ड्रैग नहीं करना चाहती, ज्यादा आप लोग को बोर नहीं करना चाहती, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच उन सबको जिन्होंने भी इस वीडियो में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने किसी का क्वेश्चन मिस आउट कर दिया हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैं सबके नहीं पढ़ सकती थी, पर मैंने जिसके छोड़े आई एम सो सॉरी। दोबारा हम Q&A करेंगे, आप तब पूछ लीजिएगा अगर आप गुस्सा नहीं है अभी तो, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें ताकि हमें जवाब देने में ज्यादा मजा आए। हाँ, डू यू वांट टू से समथिंग? ये कि उसने इस दफा मुझे पार्टी दी बाहर जाके, मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट किया, मैंने प्रॉन्स खाए, वो बड़े मजे के थे, है ना, अच्छे थे ना, अच्छे थे, अच्छी जगह थी, मतलब कि बैठने में मुझे ज्यादा मजा आया। मैं तो कभी कहीं और भी लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू श्राव, मुझे लेके गए, थैंक्स अगेन, और मजा आया था हमें बाहर जाके। ओह या, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू अ कमेंट, do comment, press that bell icon as well so you guys do not miss out on my future video. Also do follow me on my Instagram, that is Yusra Little Cosmo, yahan pe likha aaya hoga, link bhi description box mein hoga, please do follow me there. So I'm gonna see you guys soon inshallah taala in my next video. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, and Allah Hafiz. Be a man.